कुमार सानू। नेक्स्ट देखो, ये बेटा आपको ये अच्छा डायग्राम आपको दिखाया है, देख सकते हैं ये वाला डायग्राम। ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल को क्रॉस सेक्शन काट के ट्रांसवर्सली उसका अंदर का व्यू है, कैसे स्पर्माटो जो आप बनता है अंदर। देखो आमे जे नितार आगुरु टिके नी पढ़ुतला पर डायग्राम जे देखुतला हे डायग्राम इटा देखो, इथि भी देखो केनता इंटरस्टिशियल सेल देखो बाहरे अछे, इटा माने इंटरस्टिशियल सेल लिडिक सेल, इटा काना को इटा लिडिक सेल, लिडिक सेल प्रेजेंट आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, और इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल कौन सी सेल प्रेजेंट होता है, सोटोली सेल, कौन सी सेल, सोटोली सेल, ठीक है। और ये भीतर का जो गैप होता है उसको ल्यूमेन कहते हैं। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स को लार्जर सेक्शन में माइक्रोस्कोप में दिखाया गया। अब देखो तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबुल, क्या है आउटसाइड। अब वहां पे क्या क्या होता है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूबुल में, स्मॉल ब्लड वेसल्स होगा, इंटरस्टिशियल सेल होगा, लिडिक सेल कहते हैं उसको, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स होता है इसको कहते हैं क्योंकि स्पर्म को फॉर्मेशन करने में मदद करता है, और हार्मोन को एंड्रोजन। तो ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या मैंने बोला था आईएमपी, क्यों आईएमपी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिडिक सेल, इट हाईली एसेंशियल टू सीक्रेट द मेल हार्मोन एंड्रोजन, याद रहेगा कि नहीं। अरे ये सर नो, यस सर, सब खाना पीना करू छ कि नहीं, ब्रेकफास्ट कलो न कि नहीं बाबू माने, बढ़िया बढ़िया डायग्राम तुम्हारे लिए कराए थे। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, डिस्कशन कर लिए थे, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में बेटा टेस्टिस के बारे में हम लोग पढ़ ले, किसके बारे में, टेस्टिस के बारे में कंप्लीट। अब क्या है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, एसेसरी डॉग के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, अरे एसेसरी डॉग के बारे में। तो कितने प्रकार का था, चार, रेटे टेस्टिस था, और क्या है, भाषा इफरेंशिया थी, एपिडर्मिस थी, और क्या थी, भास डिफरेंस था, चार तो था ना बेटा। तो देखो ये रेटे टेस्टिस कहाँ पे है, तो ये देखो ये हाईली कॉइल लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं गो, यहाँ देखो यहाँ पे ये वाला ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल से कि नहीं, दिस इज द कॉइल लाइक सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल सारा देखो जॉइंट हुआ है कहाँ पे, ये सारा सेमिनिफेरस ट्यूबुल देखो जॉइंट हुआ है कहाँ पे, ये जो जॉइंट हुआ है, ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द रेटे टेस्टिस, व्हाट इज रेटे टेस्टिस, सभी को समझ में आया रे, ये बैगन बेचू मैंने बुझलो की नहीं। हाँ सर। आप ये रेटे टेस्टिस, ये क्या है बेटा, ये हमारा एपिडर्मिस है, ये क्या है, एपिडर्मिस है कि नहीं, एपिडर्मिस, ये वाला पार्ट एपिडर्मिस है कि नहीं रे, दिस इज एपिडर्मिस। तो बेटा ये एपिडर्मिस और रेटे टेस्टिस का बीच में जो डॉक्ट प्रेजेंट है, जो डॉक्ट जोड़ता है रेटे टेस्टिस को एपिडर्मिस से, इसी डॉक्ट को क्या कहेंगे गो, भाषा इफरेंशिया कहेंगे, क्या कहेंगे, भाषा इफरेंशिया, और फाइनली भास डिफरेंस ये वाला आपका, ये आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस है, आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस को क्या कहेंगे, नोट कर लो, ट्यूनिका एल्बुजिना, क्या है, ट्यूनिका एल्बुजिना, ट्यूनिका एल्बुजिना, ट्यूनिका वास्कुलोसा, ट्यूनिका ग्लोमेरुलोसा, तीन लेयर होता है, तो इसका मेन जो लेयर होता है उसको कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना, क्या कहते हैं बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिना कहते हैं। गायत्री बेटा समझ में आया कि नहीं, यस सर, वेरी गुड।
ये मेडिकल क्वेश्चन से बेटा, टेस्टिस का कवरिंग लेयर को क्या कहते हैं? ट्यूनिका अल्बुचिना। तीन लेयर होता है, ट्यूनिका ग्लोमेरुलोसा, ट्यूनिका फास्कुलोसा, ट्यूनिका अल्बुचिना। ये आउटर कवरिंग अल्बुचिना। ठीक, आसान लग रहा है कि नहीं बायोलॉजी? आप यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है देख लो, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है रे? भास डिफरेंस किसके साथ ज्वाइन करता है? भास डिफरेंस का जो डॉक है वो ज्वाइन करता है सेमिनल वेसिकल के साथ, और क्या फॉर्म करता है? कॉमन इजाकुलेटरी डॉक बनाता है। क्या बनाता है? कॉमन इजाकुलेटरी डॉक, जिसके थ्रू से आपकी स्पॉर्म इजाकुलेट होगा। ऑल ऑफ यू क्लियर ना बेटा? यस सर। यस सर। आप देखेंगे धीरे धीरे कैसे होता है। ये रे चाटे, सब अपना अपना वीडियो ऑन करो, जल्दी जल्दी सब वीडियो ऑन करो और अपना कॉपी पेन ये करो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। रे डायग्राम बनाओ, रे डायग्राम ये बनाओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इसको बनाओ। ऐसे पहला सेमिनिफेरस ट्यूबुल लिखो, फिर नीचे एरो दे के लिखो रेटे टेस्टिस, पहले स्पॉर्म सेमिनिफेरस ट्यूबुल में बनेगा, फिर रेटे टेस्टिस में आएगा, फिर एरो दे के लिखो भाषा इफरेंसिया में आएगा, फिर भाषा इफरेंसिया से लिखो कहां पे आएगा, ऐसे ऐसे लिखो जल्दी। सेमिनिफेरस ट्यूबुल से स्पॉर्म बनेगा रेटे टेस्टिस में, फिर भाषा इफरेंसिया में, फिर एपिडाइडेमिस में, फिर भास डिफरेंस में, फिर कॉमन इजाकुलेटरी डॉक्ट में, फिर यूरेथ्रा में, फिर यूरेथ्रा मीटस के थ्रू से रिलीज होगा। ये लिखो जल्दी, लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखना भी चाहिए नहीं तो ठीक नहीं है। वीडियो ऑन करो रे, सब लिख रहे हो कि नहीं देखते हैं। लिखो, इंपॉर्टेंट है, लिखो जल्दी लिखो। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का नोट्स आपको भेज दूंगा, फिर उसे कर लेना, पढ़ लेना। शक्ति सर पूरा तेरे नाम लिखे बाबू, दिशरे बाल स्टेल रे हीरो सर, लिख दिया सर, सर हो गया। हाँ वेरी गुड। दिव्यांशी लिख लिए? हाँ सर। करिश्मा? हाँ सर। ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो सब जल्दी 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 जल्दी, मास्टर पढ़ाना भी अच्छा नहीं लगता। चलो ये वाला डायग्राम ड्रॉ करो, इसको इसको रफली बनाओ जल्दी, अपना कॉपी में रफली बनाओ, अच्छा से दिख रहा है ना, रफली बनाओ। ये इस बार मेडिकल में ये पूछेगा, ये डायग्राम लेबलिंग पूछेगा, इसको बनाओ रफली बनाओ, पूरा रफली। मैंने सिखाया भी है ये जब वैदिक में पढ़ाता था, रफली बनाओ, रफली बनाओ जल्दी बनाओ और लेबलिंग करो। ये देखो बास डिफरेंस है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये कॉमन इजैकुलेटरी डॉक्ट है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा, एपिडर्मिस, टेस्टिस, यूरेथ्रल मीटस। इसको रफली बना के इतना लेबलिंग करो, स्क्वायर देखिए फटाफट। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको लेबलिंग पूछेगा, चार मार्क नहीं तो आपका मिस हो जाएगा बेटा। और ये पॉइंट याद रखना, ये वाला यूरेथ्रा क्या करता है? रिसीव करता है, यूरेथ्रा इज द डॉक दैट रिसीव ऑफ द प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड एंड पास थ्रू द पेनिस। यूरेथ्रा रिसीव द डॉक ऑफ प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड का डॉक को यूरेथ्रा रिसीव करता है, जो भी उसके थ्रू से स्पर्म आते हैं। इसके थ्रू से जो भी स्पर्म रिलीज होगा ये रिसीव करेगा।
स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ ओवियम फिर देखेंगे हम। बना ले डायग्राम जल्दी। हिमांशु हुआ, हाँ सर, चलो वेरी गुड, ये याद रख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस सर। और जो जो नहीं बना पाए वो स्क्रीनशॉट कर लो, मोबाइल से स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट होता है ना, स्क्रीनशॉट कर लेना और बाद में फिर क्लास के बाद लिख लेना, ठीक है? स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट। ऐसे पूछेगा, ये मान लो मैंने कहा कि आपका ये क्वेश्चन ए है, ऐसा दे देगा, एक बी है, ए सी है, और आपको पूछेगा ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। चलो फटाफट बोलो, ए क्या है रे, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, और ए हाँ, और ए एसेसरी ग्लांस का हम लोग देखेंगे इनका फंक्शन क्या है। तो ये लोग क्या सिक्रेशन करता है, सेमिनल प्लाज्मा को सिक्रेशन करता है। किसको सिक्रेशन करता है, सेमिनल प्लाज्मा। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी आईएमपी, यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे लिख लो, सब लिख लो, सेमिनल प्लाज्मा लिखो। और सेमिनल प्लाज्मा में क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम होता है। क्या क्या होता है सेमिनल प्लाज्मा, किसको किसको लेके बनता है, इसको लिखो। सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा में स्पॉर्म होता है, सेमिनल प्लाज्मा में फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम और एंजाइम। तो सेमिनल प्लाज्मा स्पॉर्म मिलकर क्या बनते हैं, सीमेन बनते हैं, क्या बनते हैं, सीमेन बनते हैं। तो सेमिनल प्लाज्मा और स्पॉर्म मिलके सीमेन बनते हैं, ठीक है। जेन मानकर भासेक्टोमी करी दिया है किसी, जेन मानकर भासेक्टोमी से मानकर काना किसी से मानकर फिर खाली सेमिनल प्लाज्मा रिलीज हवा टेक्स कोले सेमिनल प्लाज्मा स्पॉर्म से मानकर फिर रिलीज नहीं हुई। बुझला गो? हाँ सर। यस सर। माखन तुम मान के यस यस सर कहवाल लगी झाल दूँ। अब फंक्शन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा नोट करो, फंक्शन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा नोट करो। सेमिनल प्लाज्मा का फंक्शन क्या क्या है, लिखते लिखते भी जाओ फटाफट हाथ में। अरे लिखने के लिए इसीलिए बोल रहा हूँ कि सिर्फ सुनबो वाला मोने नहीं रहे, लिखी देव गुटे गुटे लाइन वाले मोने रही जाए। ये ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टिंग द स्पॉर्म, स्पॉर्म को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। दूसरा सप्लाई न्यूट्रिएंट टू स्पॉर्म, स्पॉर्म को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। तीसरा अल्कलिनिटी मीडियम प्रोवाइड करता है और एसिडिटी, ये तमने पीएच लेवल के बैलेंस करसी, मेंटेनिंग द पीएच लेवल लेखो। और सिक्रेशन ऑफ कॉपर ग्लैंड्स लुब्रिकेट द पेनिस, लेकिन कॉपर ग्लैंड का काम क्या होता है, पेनिस को लुब्रिकेट करने में मदद करता है। तो वहां पे स्पॉर्म को सीक्रेट करने में भी सेमिनल प्लाज्मा मदद करता है। तो यहाँ पे देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, सीक्रेशन ऑफ एपिडर्मिस वास इफरेंसेस सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्प फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पॉर्म। स्पॉर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने का और मैच्योरेशन का काम कौन करता है, ये एपिडर्मिस वास इफरेंसेस सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड। तो मेल स्पॉर्म जो होता है बेटा ये ऑलवेज मोटाइल होता है और स्मॉल होता है, और फीमेल गैमेट जो होता है लार्जर होता है और नॉन मोटाइल होता है ओव्यूम, ठीक है। अरे यस और नो रे, चिंगू मिंगू स्क्रीनशॉट करो, चलो यस सर, स्क्रीनशॉट कर लेना और बाद में लिखते रहना। हाँ, आप एक्सटर्नल जेनेटियल क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटियल, क्या देखेंगे गो, एक्सटर्नल जेनेटियल। तो एक्सटर्नल जेनेटियल में देखो बेटा क्या क्या, इसको क्या कहेंगे, पेनिस को क्या कहते हैं, कॉप्युलेटरी ऑर्गन कहते हैं। कॉप्युलेटरी ऑर्गन मतलब क्या है, कॉप्युलेशन में मदद करता है,
मेल और फीमेल पार्टनर को हेल्प करता है, ठीक है, पॉपुलेशन में, ठीक है। इसके बाद ये जो स्पेनिस होता है बेटा, ये स्पेशल टिश्यू से बना हुआ होता है और इसको स्पॉन्जी टिश्यू और इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं रे? स्पॉन्जी और इरेक्टाइल टिश्यू। ताने पूरा तमने एंता जे देखो तुम्हें तमने नॉर्मल कंडीशन रे थिले केंता थीसी तुम्हार पेनिस टा 2 इंच की 3 इंच लंबा था। जेते बेले तुम्हें तमने ऑफ कंडीशन के आसपास बेले सेतले का आसी एटलीस्ट 6 टू 7 इंच तुम्हार पेनिस है। कहला जे हंता इदे से रबर लेके तमने स्पंज लेखेटा तने स्पंज केंता थीसी एना जाके हिजबा बेले एंता हिबा फिर घिची वाला पूरा एंता हिजबा पुछो कि हंता इसको स्पॉन्जी टिश्यू और इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं। किसको? पेनिस को। समझ में आया? यस सर। तो स्पॉन्जी टिश्यू इज फिल विद ब्लड। तो ये स्पॉन्जी टिश्यू में क्या क्या होता है रे? इसमें ब्लड होता है, ठीक है, ताकि ये पेनिस को इरेक्ट करता है और इंसेमिनेट करने के लिए फैसिलिट करता है। इंसेमिनेट मतलब ड्यूरिंग द कोइटस फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में स्पर्म को ट्रांसफर करने। इसके बाद देख सकते हो ये एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, याद रख। इसके बाद पेनिस का जो टिप होता है वो कौन शेप होता है और उसको कहते हैं ग्लैंड पेनिस, कहते हैं ग्लैंड पेनिस। इटा ये डायग्राम देखो, इटा पेनिस देखी छो जन मैंने नहीं देखी जन मैंने छुआ मन को देखी देव घरे जो छुआ मन अच्छे तो ये आगे इटा कहना है इटा ग्लैंड पेनिस है हला। आउ इतर आगे जन फोरस्किन ते अच्छे कवर है कि ये ग्लैंड पेनिस के जन कवर करसी सेटा के कहसु फोरस्किन। आ से फोरस्किन रो अलगा नाटा कणाई को प्रीपोस कहसु। काना कहसु? प्रीपोस। इटा भी मेडिकल क्वेश्चन है, इटा याद रखो प्रीपोस किसको कहते। अब बेटा देखो ये तो सेमिनल वेसिकल हो गया, सबको पता है। ये गाल ब्लैडर हो गया, कौन सी? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन को स्टोर करता है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये यूरेथ्रा हो गया, ये वास डिफरेंस हो गया, ये टेस्टिस हो गया। अब देखो बेटा एक कॉर्पस कवर्नोसम और कॉर्पस पोंचियोसम। इस पेनिस के तुम्हें जो एंता ट्रांसवर्सली इन द्विभाग करी काटी देबो आउ देखबो सेटा के माइक्रोस्कोप रे बले केन काकाना थीसी सेथि का टिश्यू थीसी कॉर्पस कवर्नोसम और कॉर्पस पोंचियोसम थीसी। काना थीसी? कॉर्पस कवर्नोसम और कॉर्पस कवर्नोसम एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। हां मैं याद रखना, ठीक है चलो आगे। वेरी इसके बाद 10 मिनट, अभी 5 मिनट में खत्म करता हूं, 10 मिनट ब्रेक कर लेना, 9:30 में फिर बोटनी। हां खत्म कर ही लेते हैं, फिर नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आ गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में कितना रंगीन सा है ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो टुडे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट। जो लोग स्लाइड का फोटो नहीं खींचे हो स्क्रीनशॉट करो और नोट इसका फिर बना लेना। और फिर ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो इसका एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि देखो 2 मिनट अभी इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हम लोग 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं। सब लाइन में रहो, धीरे धीरे आसो।